हिंदुत्व शक्ति में अब जागृति आई है और अब जागृति आने से लोग जगे भी हैं और इतने लोग जागरूक हुए, इतना प्रभाव पड़ रहा है, इतना प्रभाव पड़ रहा है कि कुछ विदेशी लोग भी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन हम लोगों को भी हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, उसको बचा के रखना है और उसकी अस्मिता को इतना तक पहुंचाना है कि विश्व के लोग भी इससे प्रभावित हो सकें। तो मेरा निवेदन आप सब लोगों से इतना है कि आप सब लोग एक दूसरे को जोड़ के चले, एकता को बरकरार रखें, क्योंकि जिस दिन हम सब लोग ये पहचान जाएंगे ना कि अपनी शक्ति वास्तव में बहुत है, शक्ति तो देखो शक्ति ही होती है, लेकिन वो जब बिखरी होती है तो फिर वो कम लगती है, उसमें कमजोरी दिखती है, लेकिन वो जब एक हो जाती है तो बहुत बड़ा पावर बन जाती है, शक्ति वो होती है। हम लोगों के पास में है तो सही, लेकिन थोड़े बिखरे पड़े हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। दूसरे समाज को देखो, हर समाज में बुराई भी नहीं होती है, कई कई जगह अच्छाई भी होती है, उनसे थोड़ी अच्छाई भी लो। दूसरे समाज में एकता जैसा गुण है ना, वो अपने लिए लेने जैसा है कि उन लोगों में एकता बहुत होती है, थोड़ा भी किसी एक आदमी को भी उनके कुछ हो जावे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, समाज इकट्ठा हो जाता है और कोई फिर बोल नहीं सकता उनके सामने। लेकिन आपने अठे तो कि लाग जावे तो परिवार का पांच सदस्य वेला नहीं, वही अलग अलग बात करेला, कोई तो केवल लागी छोरा दे लागी, कोई केवल बजाऊंद कर्म यू कही क्यों भुगत थारे। ले परिवार में ही दो दो बात है, दो दो विचार है, तो फिर कैसे होगा। इसलिए आपको एकता बना के रखने, हम सब एक है, नेक बनेंगे तो ही समाज के अंदर कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है।